नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से लगातार कई बड़े खबरें निकलकर सामने आई। दरअसल महाराष्ट्र में अभी जल्दी के अंदर कुछ चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना और शिंदे के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर हालात ये हैं कि कभी भी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर सकती है, ये क्यों कहा जा रहा है और इसकी वजह क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में काफी समय से हम देख रहे थे कि शिंदे विधायकों की नाराजगी एकनाथ शिंदे से ज्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये निकलकर सामने आया कि जो शिंदे के विधायक है उन्हें पार्टी में जगह ही नहीं मिल पाई, उन्हें पार्टी में बड़ा मौका ही नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव होते नजर आए, यानी कि मौजूदा समय के अंदर देखा गया कि शिंदे के जो विधायक थे उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। तो शिंदे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ कर आराम से बंसी की मतलब चैन की नींद जो है वो लेते नजर आ रहे, लेकिन शिंदे को ये बात समझना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही उनके साथ नहीं रहे तो उनका जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बने हैं शिंदे तो अपने विधायकों की वजह से। और देखिए, साफ तौर पर हम बात कर रहे थे कि अगर गद्दार बोला जा रहा था, उद्धव ठाकरे को बोला जा रहा था, शिवसेना को बोला जा रहा था, संजय राउत को बोला जा रहा था, लेकिन धोखेबाज अगर या धोखाधड़ी अगर या धोखा किसी ने किया तो एकनाथ शिंदे ने नहीं किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जो है वो ये कह रहे थे शिंदे को कि उन्हें जहां भी जाना है वो जा सकते हैं, उन्हें बीजेपी के साथ जाना है जा सकते हैं, लेकिन एक बार आकर मुलाकात तो करें, एक बार आकर बातचीत तो करें, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या गिले शिकवे थे। लेकिन शिंदे ने भरोसा उद्धव पे नहीं किया। शिंदे का ये कहना था कि मुझे उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं है, मुझे शिवसेना पर भरोसा नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने उनके साथ दगा किया है। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि हमने कभी शिंदे के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया। दरअसल शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था, शिंदे को पद का लालच दिया गया, और हमने देखा कि पैसों के लिए, पद के लालच के लिए शिंदे, इनके तमाम विधायक बच गए। गुवाहाटी में जिस तरह से ये लोग मौज मस्ती कर रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, तस्वीर सबने देखी थी, तो सीधे सीधे तौर पर देखा ये जा रहा है कि जो सैर सपाटा खूब एंजॉय किया गया, लेकिन अब उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी तो फायदा चाह रही थी, अपने फायदे के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया और इधर उधर करके जो है इन नेताओं को बहलाया फुसलाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी की चालाकी क्या थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इस मंत्रिमंडल के अंदर देखने को ये मिला कि किस तरह से भाई बहुत बड़े हद तक जो तमाम नेताओं की अगर मैं बात करूं, इसमें उनको जगह नहीं मिल पाई है। शिंदे विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को जगह मिल गई, तो ये सीधे तौर पर आज तस्वीर साफ होती है, सीधे तौर पर ये चीजें बयां करती है कि क्या वाकई आने वाले समय के अंदर क्या मुश्किलें नहीं दिखती नजर आएंगी एकनाथ शिंदे के लिए। लेकिन देखिए, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का वो बयान मुझे अभी भी याद है जिसमें उन्होंने साफ और सीधे तौर पर ये कहा था कि मौजूदा समय के अंदर हमारी जो स्थिति है या जो हमारी हालत है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि हम लोग कमजोर नहीं हुए। हाँ, उनका ये भी कहना था कि हमें कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस हद तक हमारी स्थिति कमजोर नहीं। उन्होंने कहा कि हम आखिरी समय तक लड़ाई लड़ेंगे, और ये मराठाओं की शान है, इसे ही मराठाओं की शान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि एक अकेले उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनके कुछ नेता मौजूद हैं, उनके साथ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो ये सीधे सीधे तौर पर बताता है कि वाकई अगर कोई बड़ा दिल रखते हैं या कोई बड़े दिल होने की बात करते हैं तो जो है उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने अभी भी ये कहा है कि मातोश्री के दरवाजे हमेशा उन तमाम विधायकों के लिए खुले रहेंगे जो विधायक शिवसेना में वापसी करना चाहते हैं, जो विधायक शिवसेना में आना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे को भी अपनी गलती का एहसास होगा। एकनाथ शिंदे को तो बीजेपी ने मोहरा बना दिया है। दरअसल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे एकनाथ शिंदे का रोल कम जरूर किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में हुआ है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि शिंदे के साथ के जो विधायक है उनको कम जगह मिली है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भले मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन यहाँ पर यह बात है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस को बड़ी जगह मिलेगी, आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को बड़ा स्थान मिलेगा। ये बात बीजेपी बहुत सोच समझ कर चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर देखने को मिला कि किस तरह से जो एकनाथ शिंदे के विधायक थे उनको कम जगह दी गई, देवेंद्र फडणवीस जो है उन्हें अहम मंत्रालय दिए गए, शिंदे के पास भी अहम मंत्रालय नहीं आए। तो ये तस्वीर बताती है, ये चीजें बताती हैं कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि बदलाव हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदली, और कहीं ना कहीं तस्वीरों का बदलना ये बताता है कि एकनाथ शिंदे क्या गलती कर बैठे हैं बीजेपी के साथ आकर। क्योंकि इतिहास अगर देखें, बीजेपी का इतिहास ठीक नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो ये करना चाह रहे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की चालाकी को समझ गए। नीतीश कुमार ये समझ गए कि बीजेपी अंदर ही अंदर जेडीयू को खत्म करना चाह रही है आरसीपी सिंह के जरिए, और वो चाह रही कि बिहार में जो माहौल बना हुआ है आरजेडी का कमजोर किया जाए, अपनी मजबूत किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने मौका देकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शिंदे फंस गए, शिंदे लालच के लिए फंस गए, पैसों के लिए फंस गए, क्योंकि शिंदे जिस तरह से चाह रहे थे, शिंदे जिस तरह से देख रहे थे वो होता नजर नहीं आया। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम जो हालात देख रहे हैं या मौजूदा समय के अंदर जो हम स्थिति देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे के अगर विधायक अगर आज परेशानी में हैं या वो परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें वो मंत्रालय नहीं मिल पाया है, वो उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है, तो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के साथ भी यही होगा। शिंदे भले ही खुशियां मना रहे हों, शिंदे भले ही खुश दिखते नजर आ रहे हो, लेकिन ये बात शिंदे को समझना पड़ेगा, ये चीजें शिंदे को समझनी पड़ेगी कि भाई जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो आज कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, वो आज कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीजें भी बदलती नजर आ रही है, चीजों में बदलाव देखा जा रहा है। क्योंकि हाँ, यहाँ पर मौजूदा समय के हालात अब शिंदे के लिए अच्छे नहीं है, बीजेपी एक के बाद एक तमाम रणनीतियां बना रही है, बीजेपी की लगातार बनती बिगड़ती रणनीतियां, इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर के हालात, मौजूदा समय के अंदर की स्थिति ये सीधे तौर पर जाहिर करती है, ये सीधे तौर पर बताती है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक एक अलग जो है स्थितियां हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से एक बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि चीजें बदलती नजर आ रही है। यानी कि मौजूदा समय के अंदर के हालात ये हैं कि अगर वक्त रहते शिंदे नहीं संभलते या वक्त रहते शिंदे नहीं समझते तो शायद इसका नुकसान उन्हें जरूर उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।